जिनके तेज के सामने राक्षस राज रावण भी निस्तेज प्रतीत होता था, जिनके सामने युद्ध में टिकने वाला रणधीर आज तक किसी युग में नहीं हुआ। इतने शक्तिशाली, इतने बुद्धिमान और गुणों के सागर होते हुए भी श्री हनुमान जी में लेश मात्र अभिमान नहीं, वह केवल प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन करना अपना कर्तव्य समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें कई लोगों के श्री हनुमान चालीसा से जुड़े सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं। अगर आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और अगर आपको उसका फल नहीं मिल रहा है, तो ध्यान से इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और शेयर भी करिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री हनुमान जी इस कलयुग के सबसे जागृत देव हैं और आज भी वे इस पृथ्वी पर सशरीर अपने भक्तों के कल्याण के लिए विचरण कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अजर अमर रहने का वरदान मिला है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा मंदिर श्री हनुमान जी के ही हैं। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम जी के भी मंदिर से ज़्यादा श्री हनुमान जी के मंदिर हैं। ऐसा कोई गांव या शहर नहीं जहाँ हमारे बजरंग बली का मंदिर ना हो। श्री हनुमान जी के भक्तों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रचलित और किया जाने वाला पाठ है श्री हनुमान चालीसा। श्री हनुमान चालीसा एक ऐसी कृति है जो श्री हनुमान जी के माध्यम से व्यक्ति को उसके अंदर विद्यमान गुणों का बोध कराती है। इसके पाठ और मनन करने से बल बुद्धि जागृत होती है। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति खुद अपनी शक्ति, भक्ति और कर्तव्यों का आकलन कर सकता है। लेकिन कई भक्तों को उनकी निरंतर आराधना के बाद भी लाभ नहीं होता है। वे नित्य श्री हनुमान चालीसा का पाठ तो करते हैं, पर उन्हें प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? ऐसी कौन सी गलती हो रही है आपसे, जिससे आपको श्री हनुमान चालीसा का फल नहीं मिल रहा है? दोस्तों, आज मैं 5 सबसे बड़े कारण के बारे में बात करूंगी, जिसकी वजह से आपको श्री हनुमान चालीसा पढ़ने का लाभ नहीं होता है, या कहें तो प्रभु की कृपा आप पर नहीं होती है। तो ध्यान से हर एक पॉइंट को जरूर देखिएगा, ताकि आप भी एक भी पॉइंट मिस ना करें। सबसे पहला कारण, प्रभु से एक चित्त ना होना। दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है कि पूजा या ईश्वर का ध्यान करते समय दूसरे विचारों में खोए रहते हैं। कोई अपने बिजनेस के बारे में सोचता है, तो कोई अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचता है, या ऐसा कहें तो लोग अपने टेंशन में ही खोए रहते हैं। वे बस सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जाप करने बैठते हैं। अब आप ही कहें, अगर हम प्रभु से चित्त नहीं होंगे, हमारी भक्ति में ही दृढ़ता नहीं है, हम सच्चे दिल से भक्ति नहीं करते, तो भला प्रभु अपनी कृपा हम पर क्यों करेंगे? दोस्तों, मैं समझ सकती हूँ कि हम अपने विचारों को बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन ध्यान या मेडिटेशन करके हम अपने विचारों पर कंट्रोल कर सकते हैं और ध्यान एक जगह केंद्रित कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ श्री हनुमान जी ही नहीं, किसी भी देवता का कोई भी पाठ क्यों ना करें, अपने मन को प्रभु के प्रति समर्पित करें। आप जो भी पाठ करें उसका महत्व समझें, सच्चे दिल से पाठ करें, या फिर देखना, प्रभु की कृपा आप पर जरूर होगी। दूसरा कारण, स्वार्थ की भक्ति। दोस्तों, हर इंसान दुख के समय में प्रभु की शरण में जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी भक्ति में स्वार्थ छिपा है। यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दुख के समय हर कोई ईश्वर से कुछ ना कुछ मांगता जरूर है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति दुख और तकलीफ के समय प्रभु की शरण में जाता है, सच्ची भक्ति करता है, अपने आप को उनके लिए समर्पित भी करता है, और प्रभु उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी सारी तकलीफ दूर भी कर देते हैं, लेकिन सब कुछ अच्छा होने के बाद अगर वो व्यक्ति प्रभु से दूर हो जाता है, पूजा पाठ और सच्चे मन वाली भक्ति ही बंद कर देता है, तब जाकर आप कह सकते हैं कि उसकी भक्ति में स्वार्थ छिपा था। इसलिए कहती हूँ, दुख के समय तो हर कोई ईश्वर को याद करता है, लेकिन सुख में भी जो प्रभु के निकट रहे और उनके लिए समर्पित रहे, उसे निस्वार्थ भक्ति कहते हैं। तीसरा कारण, बुरे कर्म। दोस्तों, सच्ची भक्ति के साथ अच्छे कर्म भी करें, क्योंकि कई लोग ईश्वर भक्ति तो करते हैं, लेकिन उनके बुरे कर्मों के कारण उन्हें उनकी भक्ति का फल नहीं मिलता। आप ही सोचिए, एक तरफ आप मंदिर में बैठकर या घर पर पूजा पाठ कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप जानबूझकर कोई पाप कर रहे हो, जैसा कि किसी निर्दोष को तकलीफ पहुँचाना, किसी का धन हड़प लेना, किसी को बुरे कर्म करने के लिए प्रेरित करना।
किसी स्त्री पर बुरी नजर रखना, व्यसन करना आदि, फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ईश्वर आपकी प्रार्थना सुनेंगे। एक बात जरूर याद रखना, ईश्वर ना दंड देता है ना माफ करता है। कर्म का फल हमारे सुख दुख का कारण बनता है। चौथा कारण है संकल्प पूरा न करना। दोस्तों, जब हम तकलीफ में होते हैं तो उस तकलीफ से बाहर आने के लिए हम हर एक प्रयास करते हैं। पूजा पाठ हो या व्रत रखना, मन्नत हो या संकल्प, वो समय ही ऐसा होता है कि हम सब कुछ करते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनमें या तो धीरज की कमी होती है, या तो प्रभु के प्रति अटूट विश्वास की कमी होती है, या फिर उनका मन कहीं भटक जाता है, या फिर आलस्य के कारण जिसकी वजह से वे प्रभु के सामने किया संकल्प भूल जाते हैं और अधूरा छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, अपने संकल्प को पूरा करें। हाँ, अगर आप घर में सूतक हो या फिर किसी महिला भक्तों को मासिक धर्म की समस्या हो तो वे सूतक खत्म होने के बाद अपना संकल्प जारी कर पूर्ण कर सकते हैं। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, नियमों का पालन ना करना। दोस्तों, कई लोगों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वे कभी भी हमारे शास्त्र में बताए गए प्रभु भक्ति से जुड़े नियमों का पालन नहीं करते। वे बस अपने ही कंफर्ट जोन में रहकर सब कुछ करना चाहते हैं, और जब प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती तो वे सबसे पहले इंसान होते हैं जो भगवान को कोसते हैं, खुद निगेटिव होते हैं और दूसरों को भी निगेटिव करते हैं। अब आप ही बताएं, कौन समझाए ऐसे लोगों को। असली कंफर्ट जोन तो प्रभु भक्ति में है, बाकी सब तो माया है। वे प्रभु भक्ति के समान नियमों का पालन तक नहीं करते हैं। जैसे ही स्वच्छ कपड़े पहनकर पूजा करना, घर में साफ सफाई रखना ताकि घर में प्रभु का वास हो, मांस मंजर का सेवन करके पूजा पाठ ना करना, व्रत और संकल्प के समय ब्रह्मचर्य का पालन करना, बिना नहाए धोए पूजा पाठ न करना आदि। सभी से विनती है कि कठिन नियम ना सही, कम से कम रोजमर्रा के जीवन में समान नियमों का पालन तो करें जो कि हमारे हाथ में ही है। दोस्तों, आज कई लोगों को उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। देखा जाए तो ये सवालों के जवाब हमारे पास ही थे। हर इंसान खुद अपनी गलती को जानता है, एक आप ही हैं जो खुद की गलती को सुधार सकते हैं। बस इन पॉइंट को भूलना नहीं, सच्चे दिल से भक्ति करें, अच्छे कर्म करें, फिर देखना श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर जरूर होगी। हमारे बजरंग बली बहुत ही दयालु हैं, वे अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकते हैं, आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो ऐसे ही हैं हमारे बजरंग बली। तो दोस्तों, कैसे लगी आज की वीडियो? वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि श्री हनुमान जी की महिमा को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। आपसे जल्द ही एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री हनुमान। जिनके